इलेवन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी, किसी तरह से इसे खेलने में सफल रहे। मिड ऑन पर गेंद गई, एक रन दौड़कर पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट। इस तरह रनों की संख्या पहुंची 5 रन और पहली बार सीईओ साहब बैटिंग पर स्ट्राइक तो पर। व्यूज के आप व्यूज भाई जानबूझ के सेकंड रन नहीं लिया उन्होंने। कारण ये विकेट बहुत बढ़िया खेला पीयूष जोहर ने। और यहाँ पर ऋषिकेश द्वारा थोड़ा मस्का लगाया जा रहा है बॉस को। ऋषिकेश बोल रहे हैं कि दूसरी बार बैटिंग कीजिए, लेकिन गर्मी बहुत है, मस्का पिघल गया, इसके लिए ये बैटिंग नहीं होगी। टू टेंट पीयूष साहब, नए बैट्समैन है शिवम, जी हां शिवम दुबे का छोटे भाई है। इस बार गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और ड्रॉप किया, बैलेंस नहीं कर पाए अपने आप को, संतुलन बिगड़ा, दो रन दौड़कर पूरे किए इस बीच, दो रन। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 1 रन, 7 रन 1 विकेट, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। शगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट, शगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट, नैना विच सजना दे लाए जावा शॉट वाट, मैं बल खावा हाथ ना आवा, मैं बल खावा हाथ ना आवा, यार मेरे तो बचना, मैं नागिन 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 नागिन। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, गेंदबाज है आकाश। ज्यादा उछाल वाली गेंद, डॉट बॉल, गेंद की तरफ देखा भी नहीं था बल्लेबाज ने, सिर्फ घुमाने की कोशिश की थी। और यहाँ अंपायर समझाते हैं कि अगर आप बीच में आओगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, कॉट बिहाइंड होगा तो भी नहीं दिखेगा, वाइड भी नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ आप बीच में मत आइए, बॉल डालने के बाद बाहर निकल जाइए, अंपायर को क्लियर व्यू मिलना चाहिए।
पता होगा कि इंडियन टीम में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सब कुछ है, टैलेंट है, स्कोर है, सब कुछ है, पर यो यो टेस्ट अगर पास नहीं है तो आप नहीं आ सकते। इस बीच वाइड बॉल, तो यो यो टेस्ट तो डेफिनेटली ये दो बैट्समैन क्लियर कर लेंगे। कई अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स यो यो टेस्ट की वजह से इंडियन टीम में नहीं आ पाए हैं। आइए रुख करते हैं एवी मोटर्स प्रीमियर लीग 2024। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, और पता नहीं कॉट बिहाइंड के लिए आप स्ट्राइकर एंड अंपायर को क्यों पूछ रहे हो भाई साहब। आपको जाना है कुर्ला, आप जा रहे हो बैंड्रा, कॉट बिहाइंड वाले डिसीजन के लिए आपको जो बॉलिंग एंड पे अंपायर खड़े हैं उसको पूछना है, ना कि स्ट्राइकर एंड अंपायर को। स्ट्राइकर एंड अंपायर को आप स्टंपिंग के लिए पूछ सकते हो या उस एंड पर रनआउट के लिए पूछ सकते हो। इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को खेलिए कवर क्षेत्र में, अच्छा ड्राइव, एक रन दौड़ के पूरा किया और अच्छी फील्डिंग एंड अच्छा रिटर्न किया विकेट कीपर के पास, केवल एक रन, 1.5 ओवर्स, 11 रन, 1 विकेट। शिवम और रोहित की जोड़ी मैदान में T11 की ओर से। इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से गेंद जा रही है, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और यहां पर खतरनाक हो सकता है रन आउट। यहां पर रोहित रन आउट, रोहित का स्थान लेने जा रहे हैं अमित, और ओवर की समाप्ति, दो ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट। And once again, Azaz bag is ready. He has already bagged wicket of CEO, so his morale is very high. And fine-tuning the position of the fielders at long on, Azaz bag to Amit. Right arm over the wicket. Very first ball, it was a full toss and driven through the onside for a single. Azaz bag to Shivam now. Shivam is ready, and with from his stance we can see he is ready to hit on the onside, but against the expectation he played it on the offside and easily got 2 runs. With these 2 runs, the total is now 15 runs for the loss of 2 wickets after 2.2 overs. T11 is batting slightly cautiously. Maybe they are ready to explode in next 2 overs, the final 2 overs after this over. Just to remind all of you, this is just a 5 overs per innings matches and it's played on knockout basis. This time it was a very good ball. From short of good length, it rose above the chest level.
So batsman had not much chance to play it in the covers region. He could have at least played in the third man region for a single, but he chose not to. Once again, Shivam. This time again, the same, it was action replay of the previous ball. Dot ball. ...2.4 overs, 15 runs for the loss of 2 wickets. Azaz bowling right arm over to Shivam. Once again, it's a repeat, I could say replay of previous 2 balls. Three continuous dot ball. Four continuous ball, he missed it. And Shivam tried very hard to hit. This is Bai's one run. And after 3 overs, it's 16 run for the loss of 2 wickets. So, slightly low scoring match in comparison to the second match. This is definitely a low scoring match. 16 for 2 after 3 overs. DJ. Once again, it's now Akash bowling right arm round the wicket. It was a better place to stroke and went for boundary. It was a misfielding by Nilesh, resulting in a boundary 4. So with this boundary stroke, now total is 20 run for the loss of 2 wickets. 3.1 over 20 for 2. Yeah, it was a clear misfielding. And instead of putting body behind the ball, he relied only on his hand, resulting in a 4. Shivam, once again, ready to face Akash Jadhav. Full toss ball and must be no ball. It was definitely above waist height. Yes, it is confirmed by umpire. So, 1 for no ball and 1 they have run as a bye. So, 2 runs. And this no ball will also definitely attract free hit. Umpire is warning Akash, if one more beamer and you will be out of attack. So, as per cricketing law, you can bowl only one beamer and that too non-intentional. If it is intentional beamer, you will be out of attack immediately. Very good following up delivery by Akash. Dot ball. It's an even contest between bat and ball. Akash Jadhav. Hello. LMD Western, Ranjan sir team. LMD Western, Ranjan sir team. Yahan pe aa jaye. Rudraveer and Tigers, team captain, please come for toss. Rudraveer and Tiger, team captains, please come for toss. Chautha over Gatiman Maidan par. 3.2 overs, 22 run, 2 विकेटों के नुकसान पर T11 रनों की गति को थोड़ा एक्सेलरेटर दबाना होगा.
इस बीच मेरी बात सुन ली और अच्छा ड्राइव यहाँ पर किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर दो रन दौड़ के पूरे किए। जो टेनिस बॉल की जो बाउंस होती है वो आपको कभी भी डिफीट कर सकती है, जब आप सोचते हैं कि बॉल नीचे रहेगी बॉल काफ़ी उछाल लेती है। तो तीन साढ़े तीन ओवर 3.3 ओवर के बाद 24 for 2 24 रन बन चुके हैं। एक बार फिर ऑन ड्राइव, एजाज के पास बॉल गई है, पत्थर के कारण गेंद डाइवर्ट हो गई और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दो रन लेने में सफल। और मैदान में जो कंकड़ थे उसके कारण एजाज को बीट किया, अच्छे अच्छे बैट्समैन को बीट करते हैं एजाज, और यहां पर गेंद ने बीट किया एजाज को। नाला सुपारा वर्कशॉप टीम प्लीज रिपोर्ट, नाला सुपारा वर्कशॉप टीम प्लीज रिपोर्ट। डॉट बॉल एट द एंड ऑफ फोर्थ ओवर इट 26 for 2 चार ओवर के बाद 26 रन बने हैं, तो लो स्कोरिंग मैच। एवी मोटर्स प्रीमियर लीग 2024 काफी रोमांचक मुकाबले यहां पर हो रहे हैं, गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष देखने मिल रहा है। कभी कभी ऐसी कोई प्रतिभा दिख रही है जो लगातार सिक्सर्स में डील करती हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट के लिए आयोजन, अच्छा वातावरण, आज हीट भी काफ़ी कम है मुकाबले में, दो दिन के मुकाबले में, और अच्छा वातावरण क्रिकेट के लिए, प्लेयर्स के अंदर काफ़ी उत्साह से खेलने आए हैं। एवी मोटर्स की मैनेजिंग कमेटी को, डिसीजन मेकिंग कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया है। गेंदबाजी के लिए आए हैं सूचक, वाइड का इशारा, पहली गेंद हेलो 27 रन बन चुके हैं इस वाइड के फलस्वरूप, एक रन की वृद्धि परेश भाई और 27 रन। रंजन सर यहाँ पे टॉस नाला सुपर वर्कशॉप, एक और वाइड कैप्टन, एक और वाइड कैप्टन है परेश भाई। इस बीच टॉस होने जा रहे हैं, टाइगर्स ने टॉस जीता है। नाला सुपारा वर्कशॉप बैटिंग फर्स्ट, नाला सुपारा टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। रुख करते हैं मैच की ओर, जहां पर दो रन प्राप्त किए, तीन रन प्राप्त किए, 31 for 2 आखिरी ओवर गतिमान मैदान पर, 4.1 ओवर 31 for 2 4.1 31 for 2 सूचक विद द बॉल इन हिज हैंड इज बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट। बॉल
So 32 for 2. And this will be a free hit. Muft ki ball. Out hone ka khatra nahi hai, except run out. अंपायर ने अपनी उंगली से हेलीकॉप्टर घुमाया, मतलब कि ये फ्री हिट है. अच्छी गेंद, धीमी गति की यॉर्कर लेंथ गेंद, एक रन दौड़ के पूरा किया. दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, हल्की सी मिसफील्डिंग ने हेल्प कर दिया और दो रन दौड़कर पूरे किए. वन शॉट यानी केवल एक मिलेगा. इस बार फिर गेंद मिड विकेट क्षेत्र में हवा में, नो मैन लैंड में गिरेगी. एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं. अच्छा थ्रो, बट फिर भी दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. अच्छी फील्डिंग, स्कोर बढ़कर हो गया है 35. तीन गेंदें शेष. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. ये आखिरी ओवर है इस इनिंग्स का और अब तक 10 रन बन चुके हैं. तीन गेंदों में 10 रन बन चुके हैं. इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, ड्रॉप किया उन्होंने. He didn't have to move an inch, but तो मिस कर गए गेंद की ट्रेजेक्टरी. शायद बैकग्राउंड में उनको जो झाड़ है उनके कारण शायद बॉल नहीं दिखी बैकग्राउंड में. स्कोर है 38 for 2. इस बार आड़े हाथों लिया गेंद को, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है. एक रन दौड़ के पूरा किया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. 39, जी हाँ ये फैमिलियर स्कोर है. 38-39 ये फैमिलियर स्कोर है इस टूर्नामेंट में. T11 की इनिंग्स की आखिरी गेंद, लेजिटिमेट आखिरी गेंद. अंडर एज लगा है और यहां पर रन आउट का खतरा. रन आउट, तो आखिरी गेंद पर कोई स्कोर नहीं. 39 पर इनिंग्स समाप्त हुई यहां पर T11 की. डीजे
setup equipped with 50. On April 19, 2022, a journey of collaboration began. With handshaking in agreement, AV Motors and Eicher Motors embarked on a path towards excellence. The first milestone was set in Panvel, where on April 19, 2022, AV Motors inaugurated first 3S setup equipped with 15 bays. Serving the customers round the clock from morning 8 a.m. to 10 p.m. This setup is uptime certified and located on NH48. The journey continued on April Schedule time. Hamra bhuto me naam re. Jalao na naino se baan re. Jaan le lo na jaan re. T11, प्लीज जल्दी से फील्ड सेट कीजिए. वी आर रनिंग बिहाइंड दिस शेड्यूल टाइम, सो प्लीज थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कीजिए. गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं खुर्शीद. अंपायर का इशारा हो चुका है कि खेल की शुरुआत होने जा रही है. खुर्शीद गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट. सामने है लक्ष्मण. पहली गेंद पटकी हुई और मिस फील्डिंग. गेंद बाउंड्री की ओर जा रही है. देखना होगा क्या रिजल्ट है. वाइड और दौड़कर एक रन, यानी कि दो वाइड दो रन.
खुर्शीद की अगली गेंद बहुत ही ज्यादा वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप थी, उसको किसी तरह रीच किया एजाज ने और पॉइंट क्षेत्र में खेला, दो रन दौड़कर पूरे किए। यहां अंपायर से कुछ क्वेश्चन किए थे एजाज ने कि ये नो बॉल क्यों नहीं दिया आपने, अंपायर ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो वाइट मार्किंग है उसे हम नहीं पकड़ रहे हैं, बट जो पिच है वो बाहर है, थोड़ी और वाइडर है। इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कैच, आउट है, आउट है अंपायर, इट्स आउट अंपायर, इट्स आउट। ये तो खुर्शीद को मिली सफलता यहां पर, नए बल्लेबाज हैं मिलिंद, मिलिंद जोशी। खुर्शीद एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद यहां पर, कॉट बैंड के लिए अपील, नॉट आउट कहा अंपायर ने, डॉट बॉल। एक बार फिर कॉट बैंड के लिए अपील, और इस बार हम पहने का जी नहीं, वाइड बॉल। खुर्शीद की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि पता नहीं गेंद कैसी होगी, बहुत ही डिसेप्टिव टाइप के बॉलर है, कभी तेज कभी स्लो, कभी लेंथ छोटी कभी लेंथ बड़ी। देखिए एक छोटी गेंद और इस बार नो बॉल का इशारा, क्योंकि पहले ही उनको वार्निंग मिल चुकी थी और अंपायर ने उंगलियां नचाते हुए कहा फ्री हिट। फुल टॉस बॉल, फ्री हिट का पूरा फायदा नहीं उठा पाए, पर निश्चित ही एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, देखना होगा पूरा कर पाते हैं नहीं। जी हां, दो रन दौड़कर पूरे किए। इस दो रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। मिलिंद जोशी स्ट्राइक पर, इस बार बैकफुट पर गए, थर्ड मैन क्षेत्र में खेल लिया, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जब तक कि बाउंड्री से फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, विकेट कीपर के पास पहुंचाते, बहुत ही आसानी से दो रन पूरे किए। किए इस ओवर में और 10 रन खर्च किए हैं, एक विकेट लेने का श्रेय उनके पास। अगर ये लेग बिफोर द विकेट का रूल एप्लीकेबल होता है यहाँ पर तो निश्चित ही यहाँ आउट होने का मौका था। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद स्कोर है 11 एक विकेट के नुकसान पर, 11 एक विकेट के नुकसान पर आफ्टर वन ओवर।
सेकंड ओवर लेकर आया सुशांत। पहली गेंद बैट्समैन तो बैट्समैन विकेट कीपर भी यहां पर परेशान हो गए। 22 के स्वरूप में एक रन, दोनों को बीट किया था। अच्छी गेंदबाजी सुशांत द्वारा। और मैदान में एक अरब ग्राउंड पर आए हैं, पता चला वो अरब नहीं है, सुशांत। और यहां पर हल्की सी मिसफील्डिंग जिसके फलस्वरूप दूसरा रन लेने का मौका। टारगेट है 40 रन का और बन गए हैं 14, यानी 40 चाहिए, 14 बन गए हैं। 14 फॉर वन, टारगेट इज 40। और इस बार गेंद हवा में, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंद हवा में, शिवम इंटरेस्टेड लग रहे हैं वहां पर, और आउट यहां पर। एडवाइस के एडवाइस काम आई। सुशांत की गेंदबाजी पर, सुशांत की एडवाइस पर शिवम ने कैच पकड़ा। यहाँ पर हाउस डैड की अपील लॉन्ग ऑन बाउंड्री से शिवम कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं सुशांत बाउंड्री के बाहर से। अंपायर पर कोई असर नहीं क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि लेग बिफोर द विकेट देना नहीं है। सुशांत एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ की गेंद और लगभग आउट कर दिया था उन्होंने। 2 ओवर 18 रन 2 विकेट, 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेट। आफ्टर दिस तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं दीपक, सामना करेंगे मिलिंद जोशी। दीपक अच्छा रन अप और अच्छी स्टाइल, लगभग रविचंद्रन अश्विन थोड़े थोड़े वाइड का इशारा। 19 रन, क्लीन बॉल, दीपक को मिली है सफलता। बहुत ही क्लासिक एक्शन है दीपक की। मिलिंद जोशी फ्लाइट में मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हुए, सो 19 के योग पर गिरा ये तीसरा विकेट। 2.1 ओवर 19 फॉर 3। नयन आए हैं, नए बल्लेबाज। देखिए ये भी मोटर्स का जादू देखिए, पिछले 4 दिन से एडवाइजरी जारी हो रही थी
कि 41 डिग्री टेम्परेचर होगा, आप धूप में बाहर मत निकले, लेकिन एवी मोटर्स का जादू देखिए कि आज छाव ही छाव 12:30 बजे आपको छाव मिल रही है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। इस बीच एक बढ़िया गेंद पर मिस फील्डिंग विकेटकीपर द्वारा गैदर नहीं कर पाए, 22 के स्वरूप में एक रन, रनों की संख्या बढ़कर हो गई 20, 2.2 ओवर्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक बार फिर दीपक तैयार, राइट आम ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद और सर्वेश तैयार, बहुत ही बढ़िया कैच सर्वेश द्वारा, अपने आप को अच्छी तरह पोजीशन किया, बैलेंस बनाए रखा और कैच कंप्लीट किया, 4 विकेट। बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं नीलेश और दीपक, एक सफल गेंदबाज, 2 विकेट प्राप्त किए हैं दीपक ने इस ओवर में, केवल 1 रन खर्च किया है। तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड होनी चाहिए गेंद, अंपायर ने मेरा जो अनुमान था उसको कंफर्म किया, वाइड बॉल, स्कोर 21-4। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये एक्स्ट्रा रन जा रहे हैं, वाइड, दो रन मिलेंगे वाइड के, यानी 23। 3 गेंदे हो चुकी है इस ओवर में, 3 गेंद शेष, इस बार फुल टॉस गेंद को खेल लिया, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन आउट के लिए खतरनाक हो सकता था, पर दोनों ही बल्लेबाज काफी चपल, चुस्त, लाइट वेट बल्लेबाज, 25-4। इस बार फिर गेंद को फुल टॉस बना के खेल दिया, बॉल रिलीज नहीं कर रहे थे, दूसरा रन लेने का मौका था, पर आखिरकार बल्लेबाजों ने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है और केवल 1 रन से संतुष्ट, 26-4, 2.5 ओवर, 26-4, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा दीपक में। वाइड बॉल होनी चाहिए, 1 रन दौड़ के पूरा किया है, तो इस तरह से 2 वाइड मिलेंगे, 2 वाइड, 28 रन, अभी भी 1 गेंद शेष है, 1 लेजिटिमेट बॉल रिमेनिंग इन दिस ओवर, नो बॉल और फ्री हिट, इस बार गेंद हवा में, फ्री हिट तो है ही और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
फुल टॉस बॉल और नो बॉल का इशारा है यहां पर। स्कोर बचा 36, अब केवल 4 रनों की आवश्यकता। फ्री हिट भी होगा ये। विजय की और अग्रसर इस बार हवा में गेंद खेल रहा है, पॉइंट रीजन में गेंद आ रही है, एक रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं आसानी से, दो रन जॉगिंग करते हुए पूरे किए, धीमी गति से जॉगिंग किया और दो रन पूरे किए। 38, अब केवल 2 रनों की आवश्यकता और 3.2 ओवर्स, 38 for 4। क्लीन बॉल्ड, देखिए क्रिकेट की अनिश्चितताएं, आप कुछ भी चीज ग्रांटेड नहीं ले सकते। और 5वें विकेट का पता नहीं यहां पर, क्लीन बोल्ड। दो रन चाहिए खाली, 1.3 और बाकी है, 5। रॉकर्स को विजयी